नमस्ते, मैं सपना शर्मा आपको बताने वाली हूँ कि न्यूज पोर्टल का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। वर्तमान समय डिजिटलाइजेशन का है। ई खबर में 10 से 15 कॉल यह जानने के लिए आते हैं कि न्यूज वेब पोर्टल को किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर कराना चाहिए, क्या इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, इसकी लीगल प्रक्रिया क्या है। तो इसका जवाब है कि रजिस्ट्रेशन की कोई राष्ट्रीय प्रक्रिया नहीं है। जैसे RNI में हम अखबार या समाचार पत्रिका को रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इस तरह न्यूज पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इसके लिए एक वेब डोमेन आपको बुक कराना होता है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर बुक होता है। इसकी बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, एक छोटी सी फीस होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल फीस नहीं होती। आजकल रिसर्च के दौरान नेट पर हमने देखा है कि कई कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं जो केवल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5 से 10 हजार फीस चार्ज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको अपना न्यूज पोर्टल चलाना है तो आप एक डोमेन बुक कराइए, वेबसाइट डिजाइन कराइए और उसको अच्छी खबरों और कंटेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें न्यूज कंटेंट हमारा ओरिजिनल होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर हम अपने पोर्टल पर खबरों को अच्छे लेवल पर कवरेज करते हैं और पाठकों को सही खबरें पहुंचाते हैं जिससे पाठक ज्यादा से ज्यादा हमारे न्यूज पोर्टल से जुड़ सके, तो हमें विज्ञापन लेने में आसानी होगी। ट्रैफिक अच्छा होने से न्यूज पोर्टल पर कमाई करने में सुविधा होगी। इसके लिए यदि आप चाहें तो ई खबर डिजिटल मीडिया से भी न्यूज वेबसाइट बनवा सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ई खबर डिजिटल के माध्यम से डिजाइन और फीचर्स में सबसे अच्छा न्यूज पोर्टल बनवा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया है। आप हमारे हेल्प नंबर 8871022710 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप www.ekhabar.in विजिट कर सकते हैं।